To top notch classes. Today we are going to start chapter number 2, acid bases and salts for class 10th, and this is our part number 1. Shuru karte hain acids, bases and salts. Bache, we know very well that about 115 elements are there. Ab in elements ke combination se kya bante hain compounds. ओके अब इन कंपाउंड्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. नंबर वन इज एसिड्स, नंबर टू बेसिस एंड नंबर थर्ड्स आर साल्ट्स. राइट, अब साल्ट्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. राइट, तो पार्ट नंबर 1 क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके राइट, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद. दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट, व्हिच हैव सोर टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका खट्टा स्वाद होता है. दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड. तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में. ओके, दे गिव एच प्लस आयंस. क्या देते हैं हमें ये? H plus ions in aqueous solution. इसका मतलब क्या हुआ कि acids को जब हम dissolve करते हैं water के साथ तो हमें क्या मिलता है? H plus ions. Okay? The term acid has been derived from Latin word acidus which means sour. Okay? तो acids क्या होते हैं? These are the substances which have sour taste. ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका खट्टा स्वाद होता है. Right? अब strong acids में example हैं कुछ. HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid and HNO3, nitric acid. तो मैं लिख देता हूँ, HCl is hydro, chloric acid, right? H2SO4 chapter 1 में भी पढ़ा है. Sulfuric acid, okay? And HNO3 is our nitric acid, right बच्चे? तो strong acids के examples हैं HCl, H2SO4 and HNO3. Weak acids के example हैं CH3COOH means acetic acid. Next is oxalic acid and next is lactic acid. तो these are examples of strong acids and weak acids. अब इसको और थोड़ा detail में समझते हैं. जैसे मैंने लिखा acids present in plant materials and animals. Acids present in plant materials and acids are called organic acids. Okay, तो ये कौन से हुए? Organic acids. और organic acids generally कैसे acids होते हैं? Weak acids होते हैं. और जो हमारी laboratory में chemical reactions के through acids को हम बनाते हैं, they are generally strong acids. Right? तो कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के, लाइक एसिटिक एसिड. ये कहां पर अवेलेबल है? विनेगर में, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम सिरका कहते हैं. नेक्स्ट सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड इज अवेलेबल इन सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल है.
like lemons, oranges. Next is lactic acid. Lactic acid curd में रहता है, sour milk में कह सकते हैं हम इसको, sour milk यानी कि curd. Curd में अवेलेबल है हमारा लैक्टिक एसिड. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड अवेलेबल है टैमरिंड में, टैमरिंड इज इमली. ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड अवेलेबल है टोमेटोज में. एंड फॉर्मिक एसिड इज अवेलेबल इन आंट स्टिंग. फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आंट स्टिंग में, राइट. यानी कि चींटी के काटने से जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? फॉर्मिक एसिड की वजह से. ऑक्सैलिक एसिड मैंने बताया कहाँ पर पाया जाता है? टमाटोज में. टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टैमरिंड यानी इमली में. और लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड. ओके. और सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स, ऑरेंजेस. एंड एसिटिक एसिड इज इन विनेगर. Right? These are examples of organic acid. फिर से एक बार definition देखते हैं. Acids present in plant materials and animals are called organic acids. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने example लिया था weak acids का. Weak acids generally क्या है? Acetic acid है जो vinegar में, सिरका में है, CH3COOH. CH3COOH. This is acetic acid. Next is oxalic acid. Oxalic acid at tomatoes may. And next is lactic acid. These are called organic acids. Organic acids are generally weak acids. Ab next hai hamara concentrated acid. Concentrated acid ka meaning hai jisme having more amount of acid. Kya hai? अमाउंट एसिड का मोर है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड. और डाइल्यूट एसिड क्या है? जब इस कंसंट्रेटेड एसिड में, कंसंट्रेटेड एसिड को, ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेटेड एसिड में हम, इसमें हम मिक्स करते हैं वाटर, मिक्स करते हैं वाटर, तो वो क्या होता है? डाइल्यूट एसिड. तो जिसमें हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ. ओके. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ. दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूशन इज ए वेरी विगरस प्रोसेस, एक्सप्लोजिव प्रोसेस होता है. इसलिए जनरली वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम मिक्स करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को. तो कंसंट्रेटेड एसिड, बच्चे आपको समझ में आया क्या है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, राइट. और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? कि जब हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को बाय ड्रॉप वाइज प्रोसेस, तो उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड. तो ये आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा. एसिड्स की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट. दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. दे गिव एच प्लस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid and formic acid. और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? The sources of organic acid, जैसे acetic acid vinegar में, citric acid again मैं बता रहा हूँ आपको citrus fruits में, lactic acid curd में, tartaric acid tamarind यानी इमली में, oxalic acid in tomatoes and formic acid in ant sting. Okay, चलिए बढ़ते हैं आगे. Next are bases. Bases are, these are the substance which have bitter taste. ये कौन से substance होते हैं जिनका bitter taste होता है, यानी कि कड़वा स्वाद. कैसा होता है? कड़वा स्वाद. These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch. Soapy मतलब slippery.
कुछ स्लिपरी टच होता है इनका बेसिस का, जब हम इनको टच करते हैं हमें सोपी जैसा या स्लिपरी महसूस होता है। दीज आर दी सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अब आप यहां ध्यान देंगे कि एसिड्स में क्या हो रहा था, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा था, और यहां पर रेड लिटमस सॉल्यूशन और पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में, यानी कि रेड लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू लिटमस, राइट? ओके, दे गिव ओ एच माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, मींस अगर हम बेसिस को मिक्स करेंगे विथ वॉटर देन इट गिव ओ एच माइनस आयन्स, और एसिड्स में हमें क्या मिल रहा था, एच प्लस आयन्स मिल रहा था, राइट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एन ए ओ एच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? और वीक बेसिस के एग्जाम्पल है NH4OH, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। एल्कलीज किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कलीज दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर लाइक NaOH, KOH एंड CaOH होल ट्वाइस। मतलब क्या हो रहा है कि बेसिस अगर सोल्यूबल है, इफ सोल्यूबल इन वॉटर, तो इनको क्या कहेंगे, एल्कलीज कहेंगे, राइट? जो बेसिस मिक्स हो जाते हैं वॉटर के साथ उनको क्या कहा जाता है, एल्कलीज कहा जाता है। दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर, राइट? इसके एग्जाम्पल अभी आपने देखे NaOH, KOH एंड CaOH होल ट्वाइस, राइट? अब कुछ बात करते हैं हम लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, राइट? कैसा होता है लिटमस पेपर का नेचुरल कलर, पर्पल होता है, और ये इंडिकेटर्स हैं एसिड्स और बेसिस के। एसिड्स में रेड लिट, एक सेकंड दोबारा से बताता हूं, ये इंडिकेटर्स हैं किसके, एसिड्स एंड बेसिस के। एसिड्स में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू किस में कन्वर्ट हुआ, रेड में, राइट? और बेसिस में रेड कन्वर्ट हुआ ब्लू, ये आपको याद रखना है, ओके? अगर कोई भी सब्सटेंस कलरलेस है, अगर कोई भी सब्सटेंस कलरलेस है किसमें, यानी कि कलरलेस है क्या, लिटमस पेपर कलरलेस है किसी भी सब्सटेंस में, तो वो क्या होगा, कलरलेस है तो अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो कौन से कलर में होगा, पर्पल कलर में होगा, राइट? बात समझ में आई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा बेसिस क्लियर हो गया, इससे पीछे हमने एसिड्स की स्टडी करी। एसिड्स क्या होते हैं, जिनका सोर टेस्ट होता है, बेसिस क्या होते हैं, जिनका बिटर टेस्ट होता है, ओके? एसिड्स में ब्लू लिटमस कन्वर्ट होता है रेड में, और बेसिस में रेड कन्वर्ट होता है ब्लू में, राइट? एसिड्स हमें एच प्लस आयन्स देते हैं, और बेसिस हमें क्या करते हैं, ओ एच माइनस आयन्स देते हैं व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है इंडिकेटर्स, जैसे अभी आपने देखा लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स हमें क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस, वेदर इट इज एसिड और बेस, क्या वो एसिड है या बेस है, ये हमें कौन बताता है, इंडिकेटर्स बताते हैं, बाय चेंजिंग इट्स कलर स्मेल इटीसी, राइट? तो इंडिकेटर की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं,
एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर. डाई होती है ये जो कलर चेंज करती है. व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस, जब इसको पुट किया जाता है, डाला जाता है किस में, एसिड और बेसिस में, तो इनका कलर चेंज होता है. तो ये इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, राइट. एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस. तो इंडिकेटर ही है जो हमें बताता है कि वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस, राइट. चलिए, तो इंडिकेटर्स की आपने डेफिनेशन देखी. इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में ये अपना कलर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं. तो वो सब्सटेंस से हमें ये पता चलता है इंडिकेटर्स की हेल्प से कि क्या वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, राइट. फिर से एक बार डेफिनेशन, एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस. और एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, वो एसिड है या बेस है, राइट. टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स. जब ऑल्फैक्ट्री की बात आती है तो इट मीन्स सेंसेस, सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी. नेचुरल इंडिकेटर्स में फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, कहां पर मिलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचर में, प्लांट्स में. जैसे इसका एग्जांपल है लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट जो होता है रेड कैबेज का, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक. टर्मरिक सभी घरों में यूज होती है, हल्दी. तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस. नेचुरल इंडिकेटर्स नेचर में, प्लांट से हमें मिलते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम लैब में बनाते हैं, डेवलप करते हैं. दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्लिन. दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्लिन, राइट. ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस. इनका ऑर्डर यानी कि स्मेल अलग हो जाती है डिफरेंट एसिड्स में और बेसिस में, राइट. तो दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वेदर दीज सब्सटेंसेस आर एसिड्स और बेसिस. थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, राइट. अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का क्या चेंज होता है इन by putting indicators in the acids and bases. Okay, indicators क्या हैं? देखो, natural indicator मैंने बताया litmus, red cabbage leaf extract, flower of hydrangea plant and this is turmeric, right? तो मैंने क्या बताया आपको? Indicators में हम पहले पढ़ेंगे natural indicators. Natural indicator में सबसे first है हमारा litmus. Litmus मैंने पहले भी अभी just 2 minutes, 3 minutes पहले डिस्कस किया कि लिटमस एसिड सॉल्यूशन में, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दिस इज एसिड सॉल्यूशन और यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन. तो लिटमस क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, यानी कि लिटमस का कलर रेड हो जाता है एसिड सॉल्यूशन में और ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, राइट. रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट रेड कलर हो जाता है, रेड नेचुरल कलर रेड ही होता है कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट का, और बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, राइट. ये लिटमस का रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू. ओके, बी से बेसिक सॉल्यूशन, बी से ब्लू, राइट. एसिड डी आ रहा है यहाँ पर, तो आप रेड आर ई डी लर्न कर सकते हैं डी से. तो लिटमस का रेड कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू. रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट नंबर 2 का रेड कलर
होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ग्रीन कलर बेसिक सॉल्यूशन में। सिमिलरली फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट का ब्लू कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बच्चे आप नोट्स जरूर बनाएं, दिस इज द एसेंस ऑफ द इंडिकेटर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं, राइट? इजिली लर्न होगा, इजिली एग्जाम में बेनिफिट होगा और इजिली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा नोट्स बनाने से। डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करें, ब्लैक ब्लू इटीसी। अब टर्मरिक, अब देखते हैं आगे, नंबर 3 कंप्लीटेड नाउ, नंबर 4 इज टर्मरिक हल्दी। टर्मरिक का एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता कलर में, राइट? बेसिक सॉल्यूशन में कैसा जाता है, रेड। वैसे जनरली ये होता है रेडिश ब्राउन, ओके? कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अब बढ़ते हैं आगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। यहाँ पर हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स खत्म हो गए, अब यहाँ पर हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में नंबर 1 फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन का कलर लेस होता है, ये इट शोज नो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इट शोज पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। कौन, फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज शोज रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, राइट? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अनियन इज करेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो अनियन की स्मेल है वही रहेगी, यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल एज इट इज वही रहेगी, और अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी, उसके जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, राइट? वनीला एसेंस में रिटेन्स स्मेल, यानी कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है एसिडिक सॉल्यूशन में सेम रहेगी, और सिमिलरली अनियन की तरह वनीला एसेंस की भी बेसिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल नहीं आती। सिमिलरली क्लोव ऑयल का भी यही सेम कि रिटेन्स स्मेल, इसके खुद की जो स्मेल है करेक्टरिस्टिक स्मेल है वही रहेगी एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में इट लूजेस स्मेल, राइट? तो ये हमारा है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच शोज वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, राइट? तो एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पार्ट नंबर 1 क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। 115 एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स आपने पढ़े, बेसिस आपने पढ़े, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस के साथ जो मिलके जो कंबाइंड होते हैं एसिड्स और बेस, आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स के कंपाउंड्स मिलते हैं, राइट? एसिड सोर टेस्ट, डिफरेंट मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया। बच्चे इनके नोट्स आप जरूर बनाएं, पॉज करें वीडियो को, नोट्स बनाएं, डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से लर्न होगा, अच्छे से आपको समझ आएगा, राइट? चलिए आगे, बेसिस। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, सोप इन टच होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो लिटमस सॉल्यूशन है और लिटमस पेपर है उसका कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू हो जाता है, और लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल, और किसी सब्सटेंस में वो कलरलेस, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ना वो एसिड है ना वो बेसिस है, और उसका जो कलर होगा वो पर्पल कलर होगा, राइट? इसके कुछ एग्जांपल्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, अल्कलीज। हमने देखे अल्कलीज क्या होते हैं, जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो वाटर सॉल्यूबल या वाटर बेस सॉल्यूबल मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड अल्कलीज, राइट? नेक्स्ट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, अगेन मैं बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स इज ए डाई विच चेंजेस कलर, डाई होती है ये, विच चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट into an acid or base, ये हमें बताते हैं कि acid या base क्या होते हैं। ये different type के indicators हमने देखे, natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator। आज के लिए हम यहीं पर stop करते हैं, this is part number 1।
पार्ट नंबर टू आपके पास बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं, मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप नॉच क्लासेस।